हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन में सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। गोरखपुर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। गोला कस्बे में गुप्ता कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। आग से लाखों का सामान जल करके खाक क्या हो चुका है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर है। गोरखपुर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। हालांकि आग लगने के पीछे वजह क्या रही फिलहाल ये साफ नहीं है। गोला कस्बे में गुप्ता कॉम्प्लेक्स में आग लगी और आग लगने से लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर रखा सामान जल कर खाक क्या हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने एबीपी गंगा पर। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें अचानक से आग लग जाती है और अंदर जितना भी सामान था सब जल करके यहाँ खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान इसमें तकरीबन हुआ है। तो गोला कस्बे में गुप्ता कॉम्प्लेक्स में यहाँ भीषण आग लग गई है। हालांकि देखिए यहाँ अब लोग भी मौजूद है, आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया जा रहा है। धुआं आप देखिए आसमान तक पहुंच रहा है, धुएं का ये गुबार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। दमकल विभाग की टीमें वहां पर मौजूद और वहां अंदर जितना भी सामान था रखा हुआ सभी जल करके खाक हो चुका है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें अचानक से आग लग जाती है। नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुकी है। नीरज, क्या तस्वीर है मौके पर, किस वजह से आग लगी, क्या कुछ साफ हो पाया है? जी सुनका, बिल्कुल बता दें कि सुबह 6 बजे लोगों ने धुआं उठता देखा है। गुप्ता कॉम्प्लेक्स है, गोला थाना क्षेत्र का, गोला बाजार का ये मामला है। और सुबह 6 बजे धुआं उठने के बाद, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है इसलिए दमकल की जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की, वो भी पहुंचने में काफी वक्त लगा, लेकिन उसके बाद भी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको जलने से बचा लिया गया और जो आग है उस पर काबू पा लिया। किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जो अंदेशा है वो शॉर्ट सर्किट से आग लगने का बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हो पाया और जो कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानें थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो और दुकानें थी उन दुकानों को बचा लिया गया, ये सबसे राहत देने वाली बात है। लेकिन अभी लाखों के नुकसान का जो अंदेशा है अभी आकलन कर रहे हैं, जो जो शॉप के मालिक हैं वो भी आकलन कर रहे हैं, इसके साथ ही जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो भी सांत्वना देने में लगे हुए हैं। बिल्कुल नीरज, तस्वीरें साफ बयां कर रही है लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, खबर आ रही है औरैया से। औरैया के मदार दरवाजे इलाके में बने मकानों में दरारें बढ़ गई हैं। घरों में अचानक दरारें आने से लोग खौफ के साई में यहां नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने IIT कानपुर को इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। औरैया जिलाधिकारी ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। जांच कमेटी में PWD, जल निगम, नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल है। प्रशासन ने घरों को खाली कराने के लिए नोटिस भी भेज दिया था लोगों को। हालांकि अब लोग वहां पे डर के साथ में हैं, दहशत में। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से मकानों में यहां दरारें आ चुकी हैं। हालांकि इसके लिए कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में जल निगम, नगर पालिका के अधिकारी शामिल है और प्रशासन ने नोटिस भी लोगों को भेज दिया घरों को खाली करने के लिए, लेकिन लोग डर रखे हैं। तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। औरैया में कई घरों में दरारें देखी जा रही है। एक साथ घरों में दरारें आने से अब लोग डर के साए में हैं। घरों के बीचों बीच ये दरारें बढ़ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये व्यक्ति दरारों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ घर में आ गई है। अब अचानक से दरारों से लोग दहशत में है। जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बना दी है जो अब ये जांच करेगी कि इसके पीछे क्या वजह रही, अचानक से इस तरीके से दरार आने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, इसका पता कमेटी की तरफ से लगाया जाएगा। हालांकि लोगों अब वहां से सामान अपना निकाल भी रखे हैं, घरों को खाली भी कर रखे हैं। प्रशासन की तरफ से पहले ही लोगों को नोटिस भेज दिया गया था घर खाली करने के लिए, क्योंकि दरारें अब यहाँ बढ़ने लगी है। और औरैया से ये तस्वीर है जहाँ घरों में दरार देखी गई है, अब इससे दहशत भी है। आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये अचानक से दरारें जो आई है औरैया में अलग अलग घरों में, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, इसके पीछे क्या वजह है, कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये जो मजार दरवाजा पड़ता है जहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मकान बने हुए हैं, अचानक इसमें दरार आई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पहले ही जो है 3 टीमें गठित की थी, जिसमें जल निगम की टीम, PWD और नगर पालिका, जिसमें रिपोर्टें इन्होंने स्पष्ट लगाई हुई थी। लेकिन इस दरार के पीछे की वजह सब अलग अलग बता रहे थे, जिसको स्पष्ट न होने के कारण अब औरैया जिलाधिकारी ने IIT कानपुर को एक पत्र लिखा है जिसमें भू वर्ग के लोगों के वैज्ञानिक इसकी जाँच करेंगे और इसको यह पता कर पाएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है जिससे जो है ये दरारें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दरार आने के बावजूद लोग दहशत में हैं, इसको घर खाली करने के नोटिस भी दिए थे। हालांकि अभी लोगों ने नोटिस जरूर लिए हैं लेकिन मकान खाली नहीं किए, उनका कहना यह है कि हमें कहीं रहने की जगह भी दी जाए, सुरक्षित जगह दी जाए, तब तो हम ये मकान खाली कर पाए। लेकिन सवाल है कि एक बड़ा हादसा भी कहीं ना कहीं कभी भी हो सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिला प्रशासन के ऊपर। जी
बिल्कुल, तो लोग अब घरों में दहशत में बने हुए हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब जरा ये बता देते हैं दर्शकों को कि घरों में दरार आने के बाद अब तक वहां पर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो औरैया के जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बना दी है। इस जांच टीम में पीडब्ल्यूडी, जल निगम, नगर पालिका के अधिकारियों को शामिल किया है, जो अब इस बात की जाँच करेगी की इसके पीछे क्या वजह है, बड़ी बड़ी दरारों आने के पीछे क्या वजह है। जिलाधिकारी ने IIT कानपुर को चिट्ठी इसके लिए लिख दी है। औरैया के मदार दरवाजे इलाके में जो मकान बने हैं उनमें दरारें ये देखी जा रही है। घरों में अचानक दरारें आने से लोग अब दहशत में हैं, लोगों में खौफ दिखा जा रहा है, कई लोग अपने घरों को वहां से खाली भी कर चुके हैं। हालांकि एहतियातन लोगों को घर खाली करने का नोटिस भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया था, लेकिन अब लोगों में डर देखा जा रहा है। और अब आगे की कार्यवाही हालांकि शुरू कर दी गई है वहां पर, IIT कानपुर को इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। जिलाधिकारी ने वहां जांच कमेटी गठित कर दी है, जो इस बात को अब जांचेगी कि इतनी बड़ी बड़ी दरारें आने के पीछे क्या वजह है। इससे पहले भी इसके पूरे में जांच की गई और अब इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। IIT कानपुर को जांच कमेटी गठित कर दी गई है, क्योंकि औरैया में लगातार देखा जा रहा है कि मकानों में दरारें वहां बढ़ने लगी है। इस वजह से लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं। हालांकि एहतियातन प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी किया था। आशीष, हम यहां पर अब तक क्या कुछ हुआ वो दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हमें कहीं पर भी शिफ्ट करने के लिए कोई जगह दी नहीं गई है प्रशासन की तरफ से। तो क्या आप देख रहे हैं, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि लोगों के घर में दरारें बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये है कि प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था घर खाली कराने का, लेकिन अब सवाल ये इस बात का है कि जिला प्रशासन, कल हमारी जो है बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से IIT के पत्र लिखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने जांच की जिसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है पुराने जमाने में 100 साल पहले यहाँ पे दलहन का काम किया जाता, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे इमारत खड़ा कर दी और जिस वजह से आसपास जो मकान है उसको लेके जो है दरारें आना चालू कर दी। लेकिन PWD का सवाल यह है, कहना यह है कि यहाँ पर जल निगम की जो लाइन पड़ी हुई है जिसकी वजह से दरार आ रही है, लेकिन स्पष्ट यह नहीं हो पा रहा कि आखिर ये दरारें क्यों आ रही हैं और लोग जो हैं मकानों में जो पक्के और नए मकान बने हैं। और ठीक है आशीष, हमारे साथ प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव DM हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका IBP गंगा पर। सर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है औरैया में, क्योंकि लगातार देखने जा रहा है कि मकानों में दरारें पड़ने लगी है। इसमें एक टीम हमने भेजा था, ये समाचार आया था हम लोगों तक, संज्ञान में आया था कि 2-4 पुराने और 2-4 नए मकान में दरार आई है। तो पहले हमने अपनी टीम बनाई थी PWD XCN, जल निगम XCN को उनको मौके पे भेजा था, उसमें SDM भी थे, नगर पालिका के थे। उनका निष्कर्ष ये था कि बहुत पहले नीचे नाला बना था, उससे थोड़ा सा दलदल है, इसकी वजह से आ रहा है। बट वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं थी और उन लोगों ने भी रिकमेंड किया कि साहब भूगर्भ से जांच करा लिया जाए। तो मैंने कानपुर में भूगर्भ विशेषज्ञ को पत्र लिखा है, तो 1-2 दिन में हम उनको बुला लेंगे, उनकी टीम से फिर ये सही पता चल पाएगा कि क्या जमीन में कुछ ऐसा है या मकान पुराने हो गए हैं, उसमें कुछ टेक्निकल कमी से ऐसा हो रहा है। सर क्योंकि लोगों को नोटिस भी भेजा गया घर खाली करने के लिए, तो क्या उन्हें कहीं और रहने की व्यवस्था की गई? पुराने मकान हैं, जो तो पुराने हैं वो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जो 50-60 साल के मकान हैं उनसे ये अपेक्षा की गई कि भाई आप समय रहते इसको अगर आप दूसरा बना लें या इसको मरम्मत करा लें तो ज्यादा ठीक होगा। कारण तो अलग बात है, नए मकान का तो ठीक है, उसका कारण हम पता करेंगे, बट जो उसमें से 5-6 मकान तो काफी पुराने हैं, एकदम से जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं, उन्हीं को केवल कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूरी जानकारी दी है जिलाधिकारी ने कि वहां पर अब काम किए जा रहे हैं, कमेटी गठित कर दी है जो पूरे मामले की जांच करेगी, दरारों के आने के पीछे की वजह का पता लगाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। गाजीपुर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की आंख फूटने का आरोप है। पिटाई के दौरान छात्र का चश्मा टूटकर आंख में घुस गया। स्कूल फीस को लेकर के टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप है। शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज का ये पूरा मामले को संज्ञान में लेकर DM ने जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से छात्र के साथ यहाँ पर मारपीट हुई है, पिटाई की गई, उससे छात्र की आंखों में चोटें आई है। आंख फूटने का आरोप लगा यहाँ पर शिक्षक पर। पिटाई के दौरान छात्र का चश्मा टूट करके आंख में घुस गया और कहा यह जा रहा है कि स्कूल की फीस को लेकर के छात्र की पिटाई यहाँ पर की गई और ये जिस तरीके से पिटाई हुई है उसके बाद छात्र का जो आंखें हैं वो फूट गई, ये आरोप लगा है शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज का। ये पूरा मामला है। हालांकि इस मामले को DM ने संज्ञान में ले लिया है, जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन बड़े सवाल भी अब इस पर खड़े हो रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ये तस्वीर हम उस बच्चे की आपको दिखा रहे हैं जिसकी एक आंख फूटने का आरोप लगा है शिक्षक पर, क्योंकि शिक्षक ने जिस तरीके से पिटाई की छात्र की, चश्मा टूट करके आंख में फंसने से आंख फूट गई है, ये आरोप लगा है शारदा चिल्ड्रन पब्लिक कॉलेज का। ये पूरा मामला सामने आया है। गाजीपुर में शिक्षक पर ये बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं। छात्र की पिटाई की गई थी स्कूल फीस को लेकर।
कौन टीचर मारा है? टीचर का नाम बोलो। संतोष कुमार। क्या पढ़ाते हैं? कला। टीचर का नाम बोलो। संतोष कुमार। क्या पढ़ाते हैं? कला। अभी आपने ये मामला संज्ञान में आप लाए हैं मेरे, यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है, इसको जांच करके इसके इस पर्टिकुलर टीचर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उसको हम प्रबंधन से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। और अब खबर जौनपुर से है। जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक में स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कम्बोचिट विद्यालय में छात्रा को क्लास में बंद करके स्टाफ घर रवाना हो गया। परिजनों ने स्कूल का ताला तोड़ करके बच्ची को बाहर निकाला। क्लास में बंद छात्रा का रो रो कर बुरा हाल और बाहर निकलने की गुहार वो अंदर से लगाती रही, लेकिन स्कूल में कोई मौजूद नहीं था क्योंकि स्टाफ अपने घर रवाना हो चुका था। इस बच्ची को स्कूल के अंदर बंद करके ये तस्वीर आप देखिए उस बच्ची की, जिसे क्लास के अंदर बंद छोड़ दिया स्टाफ ने और अपने घर के लिए रवाना हो गए। परिजन जब बच्ची को ढूंढते स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल का ताला तोड़ करके बच्ची को निकाला। बंद हुई हो कैसे? बंद हुई हो तो देखिए बच्ची किस तरीके से वहां पर रो रही थी। अब बड़े सवाल होते हैं कि आखिरकार इस बच्ची की ऐसी हालत का कसूरवार कौन? कैसे में बंद हुई हो? अम्मे कैसे बंद हुई हो? बेटी तो नाम का हुआ है? कैसे में बंद हुई हो? अम्मे कैसे बंद हुई हो? और अब खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में रेलवे की जमीन से कब्जा छुड़वाया गया। रेलवे की 23 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़वाया गया। गेहूं और गन्ने की फसल लगाकर कब्जा कर रखा था। जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे को यहां पर छुड़वाया गया है। तो पीलीभीत से की तस्वीर सामने आई है, जहां रेलवे की जमीन पर जो कब्जा किया गया था उसे अब छुड़वा दिया गया है। तकरीबन रेलवे की 23 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। गेहूं और गन्ने की फसल लगाकर यहां पर कब्जा किया गया था। 23 एकड़ की यह जमीन रेलवे की जमीन ये बताई जा रही है, जहां पर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि अब इस जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। गेहूं और गन्ने की फसल लगा करके इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे को यहाँ पर छुड़ा लिया गया है। तो रेलवे की जमीन ये बताई जा रही है जिस पर अवैध कब्जा किया गया था और इस पर गन्ने और गेहूं की फसल की यहाँ पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब जेसीबी के जरिए यहाँ से इस पूरे जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है, अवैध कब्जा छुड़वा दिया गया है। पीलीभीत से ये खबर। और अब खबर मेरठ से है। मेरठ में घोड़ा बग्घी को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया है। बग्घी पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो सगे भाई शामिल हैं। हादसे में बग्घी लेकर जा रहे घोड़े की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद परिजनों और लोगों का हंगामा अब तेज हो गया है। मेरठ से ये खबर। मेरठ में घोड़ा बग्घी को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया है। बग्घी पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वाले में दो सगे भाई बताए जा रहे हैं और हादसे में बग्घी लेकर जा रहे घोड़े की भी वहीं मौके पर ही मौत हो गई है। इस पूरे हादसे के बाद अब परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा यहाँ पर दो तस्वीर आपके सामने। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, शांत करवाने की कोशिश यहाँ पर लोगों को की गई। ट्रक ने घोड़ा बग्घी को कुचला और इसमें तीन लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। से लौट रही बग्घी में टक्कर मार दी गई, जिससे मौके पर ही तत्काल तीन लोगों की मृत्यु हो गई है, एक घोड़े की भी डेथ हो गई है। इसमें तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को सीज कर लिया है। इसमें जैसे ही पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी जाएगी तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। चालक अभी मौके से फरार है, लेकिन शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बागपत से अब बड़ी खबर मिल रही है। विस्फोटक के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बागपत पुलिस ने 490 किलो अवैध विस्फोटक बरामद किया। खाली पाइप में 200 किलो सफेद विस्फोटक रखा हुआ था। 240 किलो तैयार विस्फोटक बर्थडे कैंडल के रूप में रखा गया था। पुलिस ने विस्फोटक भरने के दो मशीन को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी बहराइच और बागपत के निवासी हैं। अग्रवाल मंडी कस्बे से पुलिस ने छापा मार कर ये गिरफ्तारी की है। तो पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बागपत में तीन लोगों की गिरफ्तारी विस्फोटक के साथ यहां की गई है। बागपत पुलिस ने 490 किलो अवैध विस्फोटक को भी बरामद कर लिया है। खाली पाइप में 200 किलो सफेद विस्फोटक रखा हुआ था।
और 240 किलो तैयार विस्फोटक बर्थडे कैंडल के रूप में रखा गया था और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुल्तानपुर से खबर है जहां सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार चार युवकों को रौंद दिया जिसमें दो की मौत हो गई है। अपनी शादी का कार्ड बांटकर लौट रहा था युवक। बलिया लखनऊ राजमार्ग पर दियारा चौराहे के पास ये पूरा हादसा। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित हो गया था और उसके चपेट में आने से दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। 28 फरवरी को सोनू सोनकर नाम के युवक की शादी होने वाली थी। अपना कार्ड बांट करके लौट रहा था ये युवक, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रक ने बाइक सवार चार युवकों को रौंद दिया उसमें दो की मौत हो गई है और उसमें ये युवक भी शामिल था जिसकी 28 फरवरी को शादी होने जा रही थी। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, बद्रीधाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गंगोत्री यमुनोत्री की तस्वीर बर्फ में, ये दोनों ही धाम नजर आ रहे हैं। जोशीमठ की ये तस्वीर आपके सामने, बर्फ पर पर्यटक स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगली तस्वीर रुद्रप्रयाग से है जहां केदारनाथ में 3 फीट बर्फ यहां जम चुकी है और चारों तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। बद्रीधाम की तस्वीर आप देखिए, बर्फ में बद्री विशाल मंदिर यहां आपको नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं, सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में देखा जा रहा है पर्यटक जो कि स्केटिंग करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो उत्तरकाशी में बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री में 2 से 3 फीट तक बर्फ वहां जम गई है। बर्फ की सफेद चादर में दोनों धाम ढक चुके हैं। बर्फबारी के साथ रात में निचले इलाकों में हल्की बारिश भी होती रही है जिसकी वजह से तापमान गिर गया और ठंडक वहां बढ़ चुकी है। उत्तरकाशी में बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी से हालांकि ठंडक वहां पे बढ़ने लगी है क्योंकि रात के समय हल्की बारिश हो रही है जिस वजह से लोगों को ठंड महसूस हो रही है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज फिर से बदला है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। बर्फ के इस कदर गिरी कि बद्रीनाथ धाम में 2 फीट तक बर्फ जम गई है। बद्रीनाथ मंदिर की बात करें या फिर मंदिर परिसर, हर तरफ बर्फ ही बर्फ यहां नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। देखिए ये तस्वीर आपके सामने, चारों तरफ यहाँ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण काम भी पिछले 15 दिनों से बंद पड़े हुए हैं क्योंकि लगातार वहां बर्फबारी हो रही है। इस वजह से पिछले 15 दिनों से वहां निर्माण कार्य भी रोक दिए गए हैं। बर्फबारी से चारों तरफ यहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीर आपके सामने बद्रीनाथ धाम की, जहाँ पर बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ में 2 फीट तक यहाँ बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। तो जोशीमठ में लगातार बर्फबारी हो रही है, इससे जोशीमठ में सैलानी इन दिनों बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के लिए मानो कोई बड़ा उपहार मिल गया हो। पर्यटक बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं। जोशीमठ संकट के बीच की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो जोशीमठ में हालांकि संकट बरकरार है, दरारें आ रही है मकानों में, लेकिन इन सबके बीच बर्फबारी में पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी पर पर्यटक वहां पर स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी में रामचरित मानस विवाद पर बॉलीवुड के गीतकार मनोज शुक्ला मुंशी ने कहा कि हिंदुओं को 50 खंडों में बांटने की कोशिश हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की मार्कशीट चेक किया जाए ताकि पता चले कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी शिक्षा पर डाउट है। तो अब ये पूरा विवाद, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की चौतरफा निंदा, अब बॉलीवुड के गीतकार ने भी यहाँ सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की पहले आप मार्कशीट देखिए कितना पढ़े लिखे हैं, मुझे बड़ा डाउट है इस पे, बस इतना ही कहूँगा मैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि वाकई समाज का कोई भला होने वाला है। ना बाबा तुलसीदास दलित विरोधी थे, ना वंचित विरोधी थे, ना बाबा तुलसीदास स्त्री विरोधी थे। तो ये सब भावनाएं भड़काने की कोशिश है क्योंकि हमको पता भी है कि किसी न किसी तरह से अगर हम डिवाइड एंड रूल कर पाए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो सनातन को बांटना चाहते हैं, वो जो हिंदू धर्म है उसके बीच में 50 अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स बनाना चाहते हैं। और मेरा संदेश यही है, जो लोग भी मुझे आपके चैनल के जरिए सुन रहे हैं, कि आप बटना मत, इस तरह की बातें आपके सामने होती रहेंगी और यही तो आपका जो एक भारतीय होना है और जो आपकी सनातन परंपरा है, यही तो उसकी परीक्षा है कि आप ये बताएं कि हम पानी की धारें हैं, हम कांटे से कटते नहीं हैं, हम बांटे से बटते नहीं हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।